कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। हालांकि ये यात्रा झारखंड से नहीं गुजरेगी, लेकिन ऐसे प्रदेशों को इस यात्रा को निकालने का अलग से निर्देश दिया गया है। इसी के मद्देनजर कोल्हान स्तर की यात्रा को लेकर जमशेदपुर के तिलक पुस्तकालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सांसद गीता कोड़ा के साथ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जिसमें झारखंड में भी भारत जोड़ो यात्रा निकालने की रणनीति बनी। देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन का है, 5 महीने का है। पिछले 7 तारीख से आदरणीय राहुल गांधी जी इस यात्रा को लीड ले रहे हैं और वो कई एक जगह जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ की लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वहाँ क्या स्थिति है, परिस्थिति है, मतलब एक तरह से सभी को जोड़ते हुए चल रहे हैं और ये हम लोग लगातार देख रहे हैं। और ये भारत जोड़ो यात्रा जो है कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक है और इसमें कई सारे प्रदेश तो आ रहे हैं, लेकिन हमारा ये झारखंड प्रदेश छूटा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है। हमारे इसके संयोजक आदरणीय सुबोधकांत साहिब जी हैं और उन्होंने ये हमें निर्देश दिया है कि क्योंकि हमारा झारखंड इस यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हम 150 दिन तक कम से कम हम यहाँ पर अपना भारत जोड़ो यात्रा का एक छोटा सा प्रारूप ये करें और गाँव-गाँव तक लोगों को। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।